ऋषिवर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही होगा, तो यही होगा, तो यही होगा। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते जहां निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? तो यही होगा। ये मेरे मुख से कैसे शब्द निकल गए? महादेव, माँ, पिताश्री, माँ, माता, माँ, पिताश्री, माँ, पिताश्री, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? ऋषि दुर्वासा के क्रोध के कारण ये कैसा अनर्थ हो गया? महादेव और माता दोनों कहाँ अंतर ध्यान हो गए? महादेव और माता अपने चरण चिन्ह छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। महादेव, माता पार्वती, ये कैसा अनर्थ हो गया? जिसका मुझे भय था वही हुआ, किंतु कहां जा सकते हैं महादेव? माँ, पिताश्री, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? माँ, पिताश्री, गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, मैं भीतर जाकर देखता हूँ। हाँ, हाँ नंदी जी, जाइए जाइए। हम भी ढूंढते हैं महादेव। प्रभु कहाँ चले गए आप? हमें छोड़ कर मत जाइए प्रभु, हमें छोड़ के मत जाइए। कहाँ चले गए महादेव? माता, महादेव। आज वसंत उत्सव के शुभ दिवस पर कैसा अनर्थ हो गया? माँ, समय से माँ में आने वाले परिवर्तन को लेकर चिंतित था। मुझे आभास हो रहा था जैसे माँ कैलाश से कहीं दूर जाने वाली है। तब पिताश्री ने मुझे समझा कर मेरी चिंता को शांत किया था, किंतु ये क्या हो गया? माँ और पिताश्री दोनों ही कहीं चले गए। अब हम क्या करेंगे? कहाँ गए होंगे वो? नंदी जी, क्या हुआ नंदी? महादेव, माता भवन के भीतर नहीं है। मैंने समस्त भवन ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिले। अर्थात पिताश्री और माँ दोनों ने ही कैलाश का परित्याग कर दिया? माता, ये कैसी भूल हो गई मुझसे? क्रोधावश में मैंने ये कैसे कटु वचन बोल दिया? आप क्रोध त्याग कर दुर्वासा अपने पश्चाताप की अग्नि में तप रहे हैं। जिस भक्त के जीवा से ऐसे कठोर वचन सुनकर
महादेव और माता को कैलाश त्याग के जाना पड़ा। उस वक्त को अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। ऋषि दुर्वासा, रुकिए ऋषिवर। ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर? कितना विशाल है गणेश का हृदय। अपने दुख को परे कर वो ऋषि दुर्वासा को सांत्वना दे रहा है, उनके दुख को शांत कर रहा है। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, आप लोग कैलाश पर वसंत उत्सव मना रहे थे, किंतु मैंने इस अनंत उत्सव को अवसर में परिवर्तित कर दिया। ये क्या कर दिया आपने ऋषिवर? आप जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई अनर्थ अवश्य घटता है। क्रोधावश आप किसी को श्राप दे देते हैं अथवा आपके कठोर वचनों से कोई बड़ी घटना घट जाती है। ऋषिवर, यदि मुझे तनिक भी आभास होता कि आप कैलाश की ओर निकल पड़ेंगे तो मैं आपसे कभी नहीं कहता कि हम कैलाश जा रहे हैं। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा गणेश जी, अपने प्राण त्याग दूंगा। जो होना था वो हो चुका ऋषिवर, अब विलाप करने का कोई लाभ नहीं। अब तो इस स्थिति को सुधारने का एकमात्र उपाय है ये ज्ञात करना कि पिताश्री और माँ कहाँ चले गए। गणेश जी उचित कह रहे हैं, यही उपाय है मेरी भूल के सुधार का, मेरे पश्चाताप का। सभी ये मानते हैं कि ऋषि दुर्वासा की उपस्थिति से अवश्य कुछ घटित होता है, परंतु ये भी सत्य है कि उनके श्राप और कठोर वचनों में भी जगत कल्याण का कोई कारण छुपा होता है। मामा जी, किंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? इनके श्राप और कठोर वचनों से भला किसी का भला कैसे हो सकता है? इनके कठोर वचनों के कारण ही तो माँ और पिताश्री अपने निवास स्थान कैलाश को त्यागने पर विवश हो गए। कुमार कार्तिकेय, मुझे ज्ञात है आप मुझसे कुपित हैं, किंतु जो नारायण ने कहा वो सत्य है। मैं ही वह भागा हूं जिसने अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया था। किंतु उसके परिणाम स्वरूप संसार का कल्याण ही हुआ था। आपने अपनी ही पत्नी को श्राप दिया था और उससे संसार का कल्याण हुआ था? कैसे ऋषिवर? अनुज गणेश, ये समय कथा सुनने का नहीं है। समय व्यर्थ करने के स्थान पर हमें माँ और पिताश्री को ढूंढना चाहिए, उन्हें कैलाश लौटाने का उपाय करना चाहिए। भैया, कदाचित इस कथा में ही हमारी समस्या के समाधान का कोई ना कोई उपाय छिपा होगा। हमें ज्ञात होगा कि ऋषिवर का क्रोध कल्याण कैसे करता है। संभव है इस कथा से हम समझ पाए कि आज जो भी हुआ उसका कारण क्या था और माँ और पिताश्री कहाँ चले गए हैं। उचित है, कहिए ऋषिवर। मेरी पत्नी कदली महर्षि औरव की पुत्री थी, जो धर्म परायण और पतिव्रता स्त्री थी। यह तब की घटना है जब मैं वन के मध्य में एक दिवस अपने तप स्थल पर जगत की समृद्धि और शांति के लिए यज्ञ कर रहा था। उसी अंतराल मध्यान्ह में मैं विश्राम करने के लिए लेटा और निद्रा ने मुझे घेर लिया।
घोर निद्रा के मध्य मेरी पत्नी कदली कब वहां आई मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। स्वामी की पूजा के लिए पुष्पादि ले आई हूं मैं। उनके संध्या वंदन का समय होने ही वाला है। किंतु स्वामी कहाँ है? उनका आसन रिक्त क्यों है? ये क्या, मेरे जाने के पूर्व स्वामी विश्राम करने गए थे? संध्या वंदन का समय हो गया है किंतु उनकी निद्रा भंग नहीं हुई। यदि मैंने अभी इन्हें इनकी निद्रा से नहीं उठाया तो स्वामी का संध्या वंदन नहीं हो पाएगा, जो अनुचित होगा और कदाचित जिसके कारण इनका क्रोध मुझ पर बरसेगा। किंतु कदाचित स्वामी की निद्रा भंग कर उनके विश्राम में विराम डालने पर भी वो मुझसे क्रोधित होंगे। क्या करूं मैं? स्वामी को उनकी निद्रा से उठाऊं अथवा नहीं? संध्या वंदन पूजा और उसके उपरांत यज्ञ तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पूजा मेरे स्वामी ऋषि दुर्वासा के धर्म पालन के साथ साथ लोक कल्याण हेतु उनके यज्ञ के लिए भी आवश्यक है। मुझे स्वामी को निद्रा से जगाना ही होगा, फिर वो मुझ पर क्रोध ही क्यों ना करें। उनकी पत्नी होने के नाते मैं उन्हें अपना धर्म भंग करने नहीं दे सकती। स्वामी उठिए, उठिए स्वामी। स्वामी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, उठ जाइए स्वामी, उठ जाइए। कौन है जो मुझे मेरी निद्रा से जगाने का दुस्साहस कर रहा है? वो जो कोई भी हो मैं उसे भस्म कर दूंगा। घोर अनर्थ हो गया कदली। मनुष्य का एक ही दोष उसे बार बार पछताने पर विवश कर देता है। क्रोध में आकर मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ। मेरे प्रति निष्ठावान, मेरे प्रति समर्पित मेरी पत्नी को मेरे क्रोध ने भस्म कर डाला। ऋषिवर, जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, किंतु इसमें किसी का कल्याण कहाँ? गणेश जी, ये समझने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। अपने क्रोध के कारण अपनी पत्नी को खोकर मैं बहुत ही शोकाकुल था और पुत्री, पुत्री कदली, कदली, पुत्री कदली। ऋषि अर्व यहां बिना किसी पूर्व सूचना के
उत्तरी कदली कहाँ हो? मैं अत्यंत व्याकुल था, अपनी पत्नी की भस्म से दूर नहीं जा पा रहा था। और उसी समय कदली के पिता ससुर श्री ऋषि और वो अपनी पुत्री से भेंट करने वहाँ आ गए। अरे देखो, मैं आया हूँ तुमसे मिलने। बेटी कहाँ हो? ऋषि दुर्वासा, मैं ससुर श्री से कैसे कहूँ कि मैंने क्रोधवश में उनकी पुत्री को भस्म कर दिया। मेरे अपराध का दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, किंतु एक पिता अपनी पुत्री का एहसान देखकर कैसे सह सकेंगे? कहीं वो ये सुनकर अपना ही कोई अनिष्ट कर बैठे तो? मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। एक पिता को कैसे बताऊं कि मेरी क्रोधाग्नि से उनकी पुत्री और मेरी पत्नी भस्म हो चुकी है। प्रणाम ऋषि दुर्वासा, मैं अपने तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। मार्ग में आपका तपोस्थल भी पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्रिय पुत्री कदली से भेंट करता चलूं। कहाँ है पुत्री, दिखाई नहीं दे रही है? ऋषिवर के प्रश्न का क्या उत्तर दूं मैं? क्या हुआ ऋषि दुर्वासा, कोई बात है क्या? सब कुशल तो है? ऋषि दुर्वासा, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। पुत्री कदली कहाँ है? मेरी पुत्री कहाँ है? मेरी पुत्री कदली, बताइए। ऋषिवर, आपकी पुत्री और मेरी पत्नी। कदली यहाँ है? यहाँ क्या कह रहे हैं ऋषि दुर्वासा? ये भस्म अर्थात कदली नहीं। ऋषिवर, मैं गहरी निद्रा में था। मेरे क्रोध के कारण ये घोर अनर्थ हुआ है ऋषिवर। अपराधी मैं हूं, ये मेरा अपराध है ऋषिवर। दंडित कीजिए मुझे, शाप दीजिए मुझे ऋषिवर, शाप दीजिए। शाप दीजिए मुझे ऋषिवर। मैं आपको शाप नहीं दूंगा ऋषि दुर्वासा। आइए, आप में और मुझ में यही भेद है। आप मेरे अपराधी हैं, पर फिर भी मैं आप पर क्रोध नहीं करूंगा, जबकि आप तो बिना अपराध के भी किसी को भी शापित कर देते हैं। किंतु आपके क्रोध में भी ईश्वर की किसी परम इच्छा का संकेत छिपा है। आपके क्रोध के माध्यम से वो अवश्य ही संसार का कल्याण कराना चाहते हैं। मेरे क्रोध, मेरे श्राप में जगत कल्याण छिपा है? क्रोध आपका दोष अवश्य है ऋषि दुर्वासा, फिर भी आप एक महान ऋषि हैं। निष्ठा, भक्ति, तपस्या, अनुष्ठान में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जगत जननी के महानतम भक्तों में आपकी गिनती होती है, इसीलिए आप अपने तप की शक्ति से इस शाप को भी मेरी पुत्री और अपनी पत्नी के लिए वरदान में भी परिवर्तित कर सकते हैं। उचित है ऋषिवर,
देवी कदली को अपने अनेकों जन्मों के पुण्य के कारण महाफल प्रदान करने वाली वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा फल जो प्रत्येक पूजा और यज्ञ का भाग बनेगा, जो समस्त जीवों को संपूर्ण पोषण देगा, और ये मेरे वरदान के कारण होगा। देवी कदली, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम कदली फल के वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। आज से ये फल कदली फल के नाम से विख्यात होगा और कोई भी पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाएगी। इतना ही नहीं, कदली फल समस्त मनुष्यों के लिए संपूर्ण भोजन बनेगा, जो सरलता से उपलब्ध होगा और सभी के भूख को दूर कर त्वरित ऊर्जा प्रदान करेगा। ऋषिवर का शाप तो जग के लिए वरदान बन गया। जगत को एक ऐसा फल मिला जो हर पूजा के लिए आवश्यक है। आशा है ऋषिवर के इस क्रोध का भी अब कोई ऐसा ही फल मिलने वाला है। किंतु इस समय महत्वपूर्ण ये है कि पिता श्री और माँ है कहाँ। ये मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिए, अपने ही कठोर वचनों से माता को आहत कर दिए। जगत कल्याण का कारण बना देती है। मेरी क्रोधाग्नि में मेरी पत्नी के भस्म होने के बाद भी माँ ने मेरे भीतर प्रेरणा जगाकर मुझे शक्ति दी कि मैं उस भस्म को जगत कल्याण के लिए पौष्टिक फल में परिवर्तित कर सकूं। ये माता का अपने पुत्र के प्रति असीम स्नेह और कृपा का उदाहरण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव और माता के प्रति मेरे कठोर वचन में भी जगत कल्याण का कोई कारण छिपा है। किंतु इसमें कौन सा जगत कल्याण छुपा है? हमें तो यह भी ज्ञात नहीं है कि मां और पिताश्री कहां चले गए हैं। जो भी होता है उसके पीछे अवश्य कोई कारण होता है पुत्र। ऋषि दुर्वासा उचित कह रहे हैं। उनका महादेव और देवी पार्वती के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग और महादेव और देवी पार्वती का अंतर ध्यान होना, इसमें अवश्य उनकी ही कोई लीला छुपी है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, समय के साथ साथ सब स्पष्ट हो जाएगा, किंतु सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात करने की आवश्यकता है कि महादेव और देवी पार्वती गए कहां हैं। आपको भक्तों की चिंता ही नहीं, यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते। गणेश, क्या हुआ, कुछ दिखाई दिया तुम्हें? हाँ भैया। तो शीघ्र बताओ गणेश, क्या देखा तुमने? शमशान, 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 शमशान। हाँ पुत्र, महादेव और माता पार्वती शमशान में वास करने चले गए। धिक्कार है मुझे, मेरे कठोर वचनों का ऐसा परिणाम हुआ। महादेव और माता पार्वती शमशान निवासी होने पर विवश हो गए। हमें शमशान जाकर माँ और पिताश्री को पुनः वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए भैया। गणेश, तुम्हें पूर्ण विश्वास तो है ना कि माँ और पिताश्री यही हैं, इसी शमशान में? हाँ भैया, मुझे ऐसा ही आभास हुआ था,
कि माँ और पिताश्री यहीं कहीं हैं। ये तो माँ का ही स्वर है। किंतु पिताश्री और माँ है कहाँ गणेश? भैया वो रहे माँ और पिताश्री। पिताश्री और माँ को ढूंढने उच्च स्थान पर पहुंचे हैं हम, वो यही है। प्रभु, माँ, पिताश्री, माँ और पिताश्री मेरा स्वर क्यों नहीं सुन रहे हैं? ब्रह्मदेव, महादेव और देवी पार्वती सामान्य नहीं प्रतीत हो रहे हैं। हाँ नारायण, मुझे भी उनमें कुछ भिन्नता का आभास हो रहा है। भैया, हमें जाकर माँ और पिताश्री से भेंट करनी चाहिए। कदाचित उन्हें ज्ञात नहीं कि हम यहाँ पर हैं। उचित कहते हो अनुज गणेश, आओ चलो हम उनके निकट चलते हैं। मामा जी, ये क्या है? माँ और पिताश्री ये किस रूप में हैं? पुत्र, महादेव और देवी पार्वती ने मातंग और मातंगी का रूप धारण किया है। भगवान तो भक्तों से होते हैं। आप एक दूसरे में इतने रमे हैं कि आपको अपने आप की, अपने भक्तों की और अपने कर्तव्य की कोई चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो ऐसा ही हो जाए। मातंग और मातंगी, ये मैंने क्या कर दिया? अद्भुत हो रही।
आसान बिहारी हसम में रंजित अद्भुत होरी। कैसी होरी हसम में रंजित कैसी ये होरी। रूप रंग नेत्र लाल है भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। प्रेत गले मुंड झुंड भूत और पिशाच है होरी या अंधक है ना रंग ना गुलाल है। माँ और पिताश्री चिता भस्म से होली की क्रीड़ा कर रहे हैं। हाँ पुत्र, महादेव की होली सबसे विशेष है, सबसे भिन्न। सबसे भिन्न? हाँ पुत्र, महादेव होली की क्रीड़ा शमशान में दिगंबर रूप में करते हैं, क्योंकि शमशान ही एकमात्र वो स्थान है जहाँ धन समृद्धि सभी संबंध यहाँ तक कि तन रूपी चोला भी पीछे छूट जाता है। सृष्टि के अंत में तो केवल भस्म ही शेष रहती है, इसलिए भस्म ही वास्तविक रूप से ऐश्वर्य का प्रतीक है, गुलाल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि गुलाल का लाल रंग रचना का प्रतीक है, किंतु महादेव रंग रहित श्वेत वर्णी भस्म से होली की क्रीड़ा करते हैं, क्योंकि श्वेत वर्ण सृष्टि से भी उच्चतम है। पिताश्री और माँ के प्रत्येक कृत्य में उनकी अनुपम लीला निहित है, उनकी होली के पीछे भी कितना गूढ़ अर्थ छिपा है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महादेव और माता मातंगी की होली का प्रत्यक्ष दर्शी बनना तो उनका दिव्य आशीष है। अद्भुत दिव्य है ये दृश्य, ये भूत प्रेत और पिशाच जिनको सभी नकारते हैं, माँ और पिताश्री उनके साथ होली मना रहे हैं। ये दिव्य होली देखकर हम कृतार्थ हो गए भैया। महादेव और देवी पार्वती की लीला है ये, जिनका सभी तिरस्कार करते हैं उन्हें भी जगत पिता
और जगत माता स्वीकार करते हैं। आपके स्वरूप का दर्शन पाके मैं तो धन्य हो गया। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया, ये नागराज वासुकी जी क्या क्रोधित हो गए हैं? नहीं पुत्र, ये होली की क्रीड़ा है। महादेव के गले से लिपटे नागराज के द्वारा छोड़ी गई विष की फुहारी उनकी पिचकारी है। जिस विष को सभी विनाशकारी मानते हैं, महादेव और माता मातंगी उसका भी सम्मान करते हैं और उसी से होली की क्रीड़ा करते हैं। विष से होली की क्रीड़ा, अद्भुत। काल विकराल रूप रंग नेत्र लाल है, भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। मुंड झुंड भूत और पिशाच है, होरी या अंधक है ना रंग ना गुलाल है। पिताश्री और माँ तो इस दिव्य भस्म से घेरे जा रहे हैं। माँ और पिताश्री तो अभी यहीं थे, अब अकस्मात कहाँ चले गए? वे कहीं नहीं गए पुत्र, वे तो वहीं हैं जहाँ तुमने उन्हें देखा था। कदाचित माँ और पिताश्री को यहाँ हमारी उपस्थिति का आभास भी नहीं है। भैया और मुझे उनसे भेंट करनी चाहिए। हाँ गणेश, उचित कहते हो। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, यदि अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है मेरे ही कारण हुआ है। मैं भी जाकर महादेव और माता पार्वती से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। हाँ, ये भी उचित होगा, हम सभी एक साथ चलते हैं। जैसे ही माँ और पिताश्री हमें देखेंगे, वो अपने सौम्य स्वरूप में अवश्य ही लौट आएंगे। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मैं परमम सुखम, तुपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मैं परमम सुखम, तुपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मैं परमं सुखम, तुपं देही जयं देही यशो देही द्विशो जही। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मैं परमं सुखम, तुपं देही जयं देही यशो देही द्विशो जही। ऋषि मार्कंडे यहाँ? ऋषि मार्कंडे कौन है ये? ये वही ऋषि मार्कंडे हैं जिन्होंने बाल्यकाल में महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी और महादेव और देवी आदि शक्ति का विशेष आशीष पाया था। और ऋषि मार्कंडे ये महादेव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश हैं।
नारायण, ब्रह्मदेव, प्रणाम नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव, क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषि मार्कंडे, आप यहां इस शमशान में? स्वयं को यहां पाकर तो मैं भी चकित हूं ऋषिवर, मैं तो ध्यान में मग्न था। पुत्र मार्कंडे, मेरे पास आओ। अचानक मुझे आभास हुआ कि माता पार्वती ने मुझे पुकारा है, तो मैं उनका स्वर सुनकर चल पड़ा। उनका स्वर मेरा मार्गदर्शन करता रहा और जैसे ही मैं यहाँ इस स्थान पर पहुंचा तो मैं भाव समाधि में चला गया। मेरे मुख से स्वतः मंत्र ही प्रस्फुटित होने लगे, मैं तो यहाँ खींचा चला आया। किंतु नारायण, ये तो शमशान है, माता पार्वती ने मुझे पुकारा है तो मुझे तो कैलाश पर होना चाहिए था, फिर मैं यहाँ पे क्यों? और आप सभी भी यहाँ पर क्यों हैं? माँ ने ऋषिवर को बुलाया है यहाँ इस शमशान भूमि पर। ऋषिवर, माता ने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि माँ और पिताश्री दोनों यही हैं। महादेव और माता पार्वती यहाँ हैं, इस निर्जन शमशान में। महादेव और माता पार्वती, मातंग और मातंगी के रूप में, सबसे विरक्त, ये सब क्या घटित हो रहा है? क्या कारण है इसका? ऋषि मार्कंडे के प्रश्न का हम क्या उत्तर? ऋषिवर की जिज्ञासा है तो ये मेरी भी जिज्ञासा है कि क्या कारण हो सकता है माता और पिताश्री के मातंग और मातंगी रूप में इस प्रकार शमशान में प्रकट होने का। संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। ऋषिवर की जिज्ञासा है तो ये मेरी भी जिज्ञासा है कि क्या कारण हो सकता है माता और पिताश्री के मातंग और मातंगी रूप में इस प्रकार शमशान में प्रकट होने का। अवश्य ही माँ की ही कोई लीला है जिसे देख और समझ पाना हमारे लिए असंभव है, किंतु ये जो हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है? अगर हमें ये कोई बता सकते हैं तो वो एकमात्र परम ब्रह्म ही है, श्री महागणपति। कृपया मुझे दर्शन दीजिए महागणपति जी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। गणेश, प्रणाम श्री महागणपति जी। गणेश, तुम्हारा मन बहुत विचलित हो रहा है, तुम्हारी व्याकुलता को तो मैं भी अनुभव कर सकता हूँ। श्री महागणपति जी, आप तो सर्व ज्ञाता हैं, ब्रह्मांड का कोई रहस्य आपसे छिपा नहीं, तो आप ही मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए प्रभु। माँ में परिवर्तन आने लगा है, मैंने उन्हें देवी काली के रूप में देखा, तब पिताश्री ने मुझे समझाकर मेरी चिंता दूर की। जगत कल्याण के लिए हम सभी की एक अद्भुत लीला होती ही रहती है, किंतु फिर वसंत उत्सव पर
ऋषि दुर्वासा का कैलाश आकर कठोर वचनों का प्रयोग करना, माँ और पिता श्री का यहाँ इस रूप में आना, सबसे विरक्त हो जाना और फिर ऋषि मार्कंडे का यहाँ आकर ये कहना कि स्वयं माँ ने उन्हें यहाँ बुलाया है, ये सब हमारी समझ से परे है प्रभु। गणेश, जो रूप तुमने देखे वो देवी काली रूप से कहीं अधिक थे। भिन्न झलक थी श्री महाकाली की, जिनका संसार में आविर्भाव हो रहा है। आविर्भाव प्रभु? हाँ, परम ब्रह्म अर्थात पराशक्ति का एक और रूप जो श्री महाकाली अवतार में प्रकट होगा। श्री महाकाली? गणेश, जैसे तुमने मेरे परम ब्रह्म रूप के दर्शन किए और महादेव के भी परम ब्रह्म रूप को देखा, वैसे ही अब समय आ गया है जब तुम जगत जननी का परम ब्रह्म स्वरूप अर्थात पराशक्ति का रूप देखोगे, उनसे जुड़े वो रहस्य जानोगे जिनसे आज तक संसार परिचित नहीं। और इसी लीला के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए ऋषि मार्कंडेय का भी यहाँ आगमन हुआ है। किंतु माँ की देवी महाकाली के महास्वरूप का दर्शन कब होगा? गणेश, वो दिव्य समय आ गया है, अभी है। अभी? किंतु कैसे? माँ तो यहाँ शमशान में माता मातंगी के रूप में हमसे पूर्णतः विरक्त है, तो ऐसे में वो श्री महाकाली का रूप कैसे धारण करेंगी? ये कर्तव्य तो तुम्हारा है, इसका सूत्रधार तो तुम्हें ही बनना होगा, तुम्हें ही इस परिवर्तन का प्रेरक होना होगा गणेश, जिससे ये लीला प्रारंभ हो सके, ये रहस्य उजागर हो सके। मैं प्रस्तुत हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए महागणपति जी। जगत जननी की इस लीला का आरंभ जल से होगा, तुम किसी भी उपाय से देवी मातंगी को पावन गंगा के जल में प्रविष्ट कराओ, वही श्री महाकाली का आविर्भाव होगा गणेश। आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री महागणपति जी, आपने जो मुझे मार्ग सुझाया है मैं उसी पर चलूंगा। कल्याण हो। मैं यहां निष्क्रिय रहकर अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। चलो अनुज गणेश, हम वहां जाकर मां और पिताश्री को स्मरण कराते हैं। अनुज गणेश, कुछ कहते क्यों नहीं? तुम ऐसे स्थिर क्यों खड़े हो? चलो गणेश। गणेश विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? ये अचानक प्रथम पूज्य गणेश जी को क्या हो गया? गणेश, क्या कर रहे हो तुम? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो गणेश? माँ गंगा को मेरा नमन। गणेश, माँ गंगा के तट पर क्यों चला आया? क्या है उसके मन में? क्या करना चाहता है वो? हमें माँ को माँ गंगा तक लाना होगा, यही यही माँ श्री महाकाली का आविर्भाव होगा। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। ये क्या कह रहे हो तुम गणेश? विस्तार से कहो, माँ श्री महाकाली का आविर्भाव अर्थात? हाँ भैया, महागणपति जी ने स्वयं मुझे बताया। जगत जननी की इस लीला का आरंभ जल से होगा, तुम किसी भी उपाय से देवी मातंगी को पावन गंगा के जल में प्रविष्ट कराओ, वही श्री महाकाली का आविर्भाव होगा गणेश। माँ श्री महाकाली का अवतार धारण करने वाली है,
आगे हमारा मार्गदर्शन भी वही करेंगी। किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, हम माता मतंगी को यहाँ तक लाएंगे कैसे, क्योंकि वो तो सबसे विरक्त और अनभिज्ञ, और वो हमारा निवेदन सुनेंगी भी कैसे। राज, उसका तो एक ही उपाय है, हम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। शिवलिंग पिताश्री के अरूपी रूप हैं। अब हम उनकी पूजा और उनका जलाभिषेक करेंगे तो माँ को भी उनका आभास होगा और उनके भीतर भी शिवलिंग के जलाभिषेक करने की प्रबल इच्छा जागृत होगी और वो स्वयं यहाँ आ जाएंगी। उत्तम युक्ति है गणेश, एक भक्त को केवल उसकी भक्ति ही खींच सकती है। गणेश सर्वथा उचित कह रहे हैं कार्तिकेय, देवी पार्वती अपने उग्र तत्व युक्त परम रूप को धारण करने जा रही हैं। इसीलिए तुम्हें अपने अनुज की सहायता करनी चाहिए, जिसका परिणाम तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। नमकम चमकम एकैकस्य नमस्कारा शंकराय महात्मने स्वभ्यश्चादौ च वर्णान्ते वाक्यकाले भवेदिति। नमकम चमकम चैव पुरुषोक्तं तु नित्यशः प्रविश्यते महादेवो गृहे गृहपतिर्यथा। रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिका दशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम्। अब हमें शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। भैया आप जलाभिषेक आरंभ कीजिए। रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिका दशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम्। नमकं चमकं एकैकस्य नमस्कारा शंकराय महात्मने स्वभ्यश्चादौ च वर्णान्ते वाक्यकाले भवेदिति। नमकं चमकं चैव पुरुषोक्तं तु नित्यशः प्रविश्यते महादेवो गृहे गृहपतिर्यथा। स्वामी के जलाभिषेक करने से तो परम सुख का अनुभव होता है, ततो वाक्यं प्रकुर्वीत। मुझे भी प्रभु का जलाभिषेक करना चाहिए। हे प्रभु महादेव, हे आदिशक्ति, ये जो भी हो रहा है उसका रहस्य हमें समझाइए। श्री महाकाली का रूप लीजिए माता, और जगत जननी की शक्ति का रहस्य उजागर कीजिए। रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिका दशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम्। स्वभ्यश्चादौ च वर्णान्ते वाक्यकाले भवेदिति। नमकं चमकं चैव पुरुषोक्तं। पिताश्री तो वहाँ अकेले रह गए हैं, माँ कहाँ चली गई? महादेवो
गृहे गृहपतिर्जथा रुद्राद्याय स्वरेणैव कण्डिकादशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम्। पुत्र कार्तिके, गणेश की युक्ति सफल हो रही है। तुम्हारी माँ पावन गंगा की ओर ही आ रही है। अद्भुत है वो क्षण जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। माँ अब जल में प्रवेश करेंगी और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगी। मैं कोई जल कलश तो लाई नहीं, तो मैं जल लेकर कैसे जाऊंगी? मैं जाकर कलश ले आती हूँ। मां रुक क्यों गई? गणेश, मां तो लौट कर जा रही है। अब क्या करेंगे गणेश जी? माता को लौटा कर यहां कैसे लाएंगे? पुत्र कार्तिकेय, उस ओर देखो पुत्र गणेश। हाँ, ये जल कलश उचित होगा। चिंता की कोई बात नहीं, मां तो मात्र एक जल के लिए पात्र लेने गई थी। कलश छूट गया मेरे हाथों से। उचित है, यही उचित समय है। माता तो जल में समाहित हो गई, वो बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? कदाचित मुझे ही जाकर उन्हें बाहर निकालना होगा।
हाँ कुमार कार्तिक, हम सब भी आपके साथ चलते, चलिए। रुकिए, गणेश क्यों रोक रहे हो हमें? माँ संकट में है। भैया, कठिनाई और संकट तो माँ के निकट भी नहीं, क्योंकि माँ तो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। हाँ भैया, इस जल से ही माता के इस रूप का सत्य निकल कर उजागर होगा। ये सब माँ की ही लीला है, इसीलिए हमें चिंता से मुक्त रहना होगा, धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि धैर्य का फल सुखदायी होता है। अब हमें माँ मातंगी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जगत जननी का रहस्य उजागर करें। माँ मातंगी, हमें हमारा उचित पद दिखाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। श्यामाम शुभ्राम शुभालाम त्रिकमल नयनाम रत्न सिंहासनस्थाम भक्ताभीष्ट प्रदात्रीम सुर निकर करा सेव्य कंजाम युग्माम नीलाम भोजाम शुकांति निशिचर निकरा अन्यदावाग्निरूपाम पाशम खड़गम चतुर्भिर् वर कमल कै खेदकम चांकुशम च। और महाकाली का आविर्भाव कैसे होगा? पुनः दुविधा में हूँ। ईश्वर यदि परीक्षा के लिए मार्ग को कठिन बनाते हैं, तो उसको सरलता से पार करना भी वही बताते हैं।